और बात करें कि मध्य प्रदेश के, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई सिविल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस महीने में दो बड़े काम होने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में होगा और वहीं 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ग्वालियर में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार दौड़ रही है। कुछ दिनों पूर्व नितिन गडकरी ने कई सौगातें दी है, तो वहीं अब ग्वालियर के लिए सिविल एयरपोर्ट के रूप में एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। क्या कर रहा है यार, विकास करेगा, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? पहली प्राथमिकता है विकास की, निवेश की, पर्यटन की। देश का सौभाग्य है कि इस मई में दो महत्वपूर्ण काम कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहे हैं। एक कार्यक्रम 11 अक्टूबर को आप सब जानते हैं उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के प्रांगण में श्री महाकाल लोक निर्मित किया गया है। वो अपने आप में अद्भुत है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया युग भारत में प्रारंभ हुआ है।